के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्री और प्लांट्स। जो ट्री होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। जो ट्री होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, उनका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़े बड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीम, क्या होता है नीम, पीपल, पीपल, आम का पेड़, आम का पेड़। ये सब एग्जाम्पल, ये सब उदाहरण किस चीज के भाई, ट्री के। ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, जो इसका ट्री होता है, जो इसका तना होता है, तने को हम क्या बोलते हैं, स्टेम। ये स्टेम क्या होता है, इसमें बहुत सारा वुडन पार्ट होता है। कैसा होता है, मतलब ये बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत। इसको हम क्या कहेंगे, ट्री। ट्री का एग्जांपल भी मिल गया। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी, प्लांट्स की। किसकी बात करते हैं भाई, प्लांट्स की। प्लांट क्या होते हैं बेटा, प्लांट पौधे होते हैं। क्या होते हैं प्लांट, पौधे। ये क्या होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं। और जो इनकी स्टेम्प होती है, ट्री में तो क्या होता है, ज्यादा वुडी पार्ट होता है, लकड़ी का ज्यादा पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, जो लकड़ी का पार्ट होता है, जो स्टेम्प होता है, तना होता है, वो बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल कैसा होता है, पतला होता है। तो बेटा ये प्लांट्स और आपको ट्री दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया। क्या होता है, प्लांट्स होता है, दीज आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, थ्री पार्ट्स। सबसे पहले जो हमारा पार्ट होगा वो क्या था, डिवाइड किया गया है।
कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भाग। रामा तुलसी कौन सी बेटा? रामा तुलसी ये आपका एग्जांपल है। ये ग्रीन लीव जिसके हरे पत्ते होते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सी तुलसी? रामा तुलसी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कृष्णा तुलसी। कैसी तुलसी? कृष्णा तुलसी। उसमें जो आपके लीव जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? पर्पल कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? होते हैं। और जो आपकी थर्ड है वो वाना तुलसी। थर्ड वाली कौन सी है? वाना तुलसी। वाना तुलसी इज ए वाइट तुलसी। कैसी तुलसी? वाइट तुलसी। क्लियर बेटा तुलसी के? और फिर बेटा तुलसी हमारे लिए बहुत ही हमारी सेहत के लिए हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे बेटा सर्दियों के समय पे हमें तुलसी का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। जैसे कैसे क्या बताया गया है? जैसे सर्दियों में ठंड होती है ना, तो चाय लेते हैं। चाय के अंदर हमें तुलसी के क्या है जो पत्तियां उनको डाल देना चाहिए, उससे हमें कॉल्ड फीवर। कॉल्ड फीवर क्या होता है? फीवर जैसे खांसी जुकाम बुखार से भी ये बेटा के बेटा बचाती है। और जो हमारा माइंड है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा वो भी बेटा इसमें क्या होता है बढ़ता है।